जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं त्रावड़ी साहिवाल डेयरी फार्म, जहां पर जमघट लगा है चैंपियन गाय बछिया और सांड का। तो एक एक करके आपको दिखाएंगे, और संचालक जी हैं राम सिंह, उनके छोटे भाई हैं नरेश जी और साथ में बेटे, वो पूरा तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। 300 के करीब गाय हैं इनके पास, और पूरे उत्तर भारत में काफी नाम है। बात सबसे पहले सांड की करते हैं, ये गणेश नाम है इसका। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ये जो पूरा चैंपियन की लाइन लिए खड़े हैं, ये सांड जीता है जी हाँ, 2.5 लाख रुपया चेक। जी हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले साल भी ये जीता था, चैंपियन बना था जी हाँ, मुजफ्फरनगर में। हाँ। और इस साल जो महेंद्रगढ़ में स्टेट में हुआ, ये हुआ 25-26 फरवरी को। हाँ। तो वहाँ ये प्रथम स्थान तो पहले अपनी कैटेगरी में जीता। अच्छा। फिर यहाँ जो ब्रीड साहिवाल चैंपियन बनता है। हाँ। एक मेल बनाया और एक गाय बनाई। हाँ। तो अब की बार ये 2.5 लाख रुपए इसको मिले हैं। 2.5 लाख मिल गया। हाँ जी। और ये सबको मिला के कितना मिला है? 4 लाख से ऊपर ही मिला है सब। क्या करोगे? इन्हीं को खिलाएंगे। इन्हें खिला दो। और इनको खिला दो। तो जी, सांड के साथ में ये दो बछिया दिखाई दे रही। जी। तो इनका बाप? इनकी यही, इन्हीं की बछिया है, इसकी गणेश की बछिया है। जी हाँ। दोनों? जी। ये दोनों मिल्किंग में आई है या ब्यूटी में आई है? ये प्रेग्नेंट है अभी, ब्यूटी में भी और ब्रीड में भी। मिल्किंग के तो अभी प्रेग्नेंट होने के बाद। हाँ, मतलब ब्यूटी में ब्रीड में आ गई है, फर्स्ट है। कितने पैसे मिले दोनों पे? इसको 51,000 मिले हैं, और उसको दूसरी वाली को? उसको 31,000 और सेकंड आई। ये फर्स्ट आई है जी हाँ, वो सेकंड आई है जी हाँ। और उसके बाद में एक और वो लाल फूल लगा हुआ है, वो अपनी जो बड़ी गाय की कैटेगरी थी मिल्किंग कैटेगरी में फर्स्ट आई है, वो फर्स्ट आई है। उसको कितने मिले? उसको भी 51,000 मिले। 51,000 फर्स्ट प्राइज जो था। हाँ। सब कैटेगरी का 51,000 था। जो मेला चैंपियन होता है ब्रीड चैंपियन, उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये इसके गणेश के जो बाप था, क्या नाम था उसका? वो भी शंकर जो था। हाँ। उसका बाप भी चैंपियन बना था 4 साल पहले। अब आगे ये बता रहे थे कि इसका ये जो बछड़ा है। हाँ। ये भी अभी यंग है, अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है। हाँ। तो ये भी थर्ड पोजीशन पे आया है। ये भी तीसरे पे आया है। हाँ। इसके कितने पैसे मिले? इसको 31,000 रुपए मिले। 31,000? तो इतने इनाम किसी और ने भी जीते वहां मेले में? नहीं, शायद भगवान की कृपा है, गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता का आशीर्वाद है। वो राम सिंह जी का आशीर्वाद नहीं है? उनका तो है ही, सारा सब। तो उनका नाम नहीं ले रहे आप? नहीं, राम सिंह जी तो बड़े हैं, मैं तो सब राम सिंह के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा। नरेश का नाम तो थोड़ी लोगों कम लोग जानते हैं। तो कितने साल से जुटे हैं इस काम में? तो 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, बचपन से ही लगे। कितनी है गौ? 400 के करीब है सारी। 400 के करीब? कितना दूध हो जाता है? 800 लीटर हो जाता है। बछड़िया ज्यादा है हमारे पास, बछड़े भी तैयार करते हैं, नंदी भी छोटे सारे पालते हैं। अच्छा। गब इन गायें भी हैं, सब सब मिला के 400 है। क्या दाम में जाता है दूध? 70-80 रुपए अब तो अच्छा रेट मिलने लगा। अच्छा रेट मिल गया। तो सरकार की तरफ हाथ नहीं फैलाते? सरकार भी काफी करती है। सरकार ने इनाम दिए आपको? जी हाँ, सरकार मिल गया। 20-25 लाख मिल गया। नहीं, 8 साल ही हमारा तो कृपा है। कितने साल से जीत रहे? लगातार 5-5 बार हमारा गाय जो है प्रथम आई है। 5वीं बार आई जी। तो वो सारी गाय आपके पास? साई वाली आती है जो साई वाली। सारी गाय आपके पास ही है? जी हाँ, सारी मेरे पास। जो जीती थी उन्हीं की औलाद है या अलग से? बिल्कुल सब उन्हीं के हैं, इनके माँ बाप सारे प्रोजनी सब आपके पास ही है। कैसा लगता है? बढ़िया, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मित्र लोग आते हैं शुभकामनाएं देने? सब देते हैं, मित्र भी है, दोस्त भी, सब देते हैं। जो परिवार मिलके लगा हुआ है। जो दूध से हट जाती है, बुढ़ी होती है, उनका उनकी भी सेवा करते हैं। छोड़ देते? नहीं नहीं छोड़ते हैं, अपने पास ही रखते हैं। बछड़ी तो देती है बुढ़ियों के भी गाय। अच्छा। दूध भी देती रहती है, बुढ़ी नहीं होती। 15-15 बार बच्चे देने के बाद भी इसकी उम्र भगवान ने 25 साल दी है। अच्छा। साहिवाल वैसे भी हमारे मौसम जो है हरियाणा पंजाब हमारी नेटिव ब्रीड है, तो इसका तो पालन करना बड़ा जरूरी है। आप तो पूरे भारत में ध्वजवाहक हैं देसी नस्ल साहिवाल के। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इसी तरीके से चलता रहे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है।
और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।